जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे बीमारी के बारे में जिसको बारे में आप नाम तो जानते हैं, उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं चलता कि आखिर उसके कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमको एक बीमारी है, हीमोफीलिया। देखिए, हीमोफीलिया हीमोफीलिया जो है एक बीमारी है, और मान लीजिए कि अगर ये आपको हो जाता है तो हमें कैसे पता चलेगा। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पता करेंगे आज कि हीमोफीलिया के होने के कारण हमारे अंदर कौन सी गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। ठीक, लेकिन ये होता कैसे है। जैसे देखिए, ये होता कैसे है, तो ये जब भी होता है, देखिए ये जब भी होता है तो ये जो होता है ना, मम्मी पापा की तरफ से गिफ्ट के रूप में मिल जाता है। जैसे कि कोई नया बच्चा, अगर छोटा बच्चा जन्म लिया और उसके जन्म से हीमोफीलिया हो गया है, तो उसका कारण है मम्मी पापा। क्योंकि हीमोफीलिया जो है ना, वो सेक्स लिंकेड डिसऑर्डर है, यानी सेक्स से जुड़ी हुई ये बीमारी है। जैसे कि मान लीजिए कि ये जब भी होता है, देखिए ये जो बीमारी है जब भी होता है लिंकेड होता है, सेक्स लिंकेड होता है। जैसे कि ये मम्मी का गुणसूत्र है, हम लोग गुणसूत्र के बारे में पिछला वीडियो पढ़ चुके हैं। ये फीमेल है और इधर एक मेल है जिसके अंदर एक्स वाई है, गुणसूत्र मेल। ठीक, तो हम लोग जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं देखे हैं वो जाके वीडियो देख चुके हैं, देख लीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा इस पे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि फीमेल के अंदर जो गुणसूत्र होता है वो एक्स एक्स होता है, मेल के अंदर जो होता है वो एक्स वाई होता है। लेकिन ये जो हीमोफीलिया बीमारी है ना, ये इसी गुणसूत्र के ऊपर मौजूद होता है, और हीमोफीलिया जो है ना, जब भी मौजूद होगा एक्स पे ही मौजूद होगा। देखिए, वो जब भी मौजूद होगा इस एक्स के ऊपर मौजूद होगा। ठीक, अगर पापा के अंदर है तो इस एक्स के ऊपर होगा, वाई के ऊपर नहीं होता ये। ठीक है, वाई को हम थोड़ा अच्छे से बना देते हैं क्योंकि गड़बड़ लग रहा है ना, अलग अलग ताकि आपको दिखे, तो ये रहा वाई। ठीक, देखिए हीमोफीलिया ये जो है सेक्स लिंकेड बीमारी है, और ये जब भी मिलेगा एक्स क्रोमोजोम के ऊपर ही मिलेगा, इसका मतलब है कि वाई क्रोमोजोम पे नहीं होता है। ठीक, तो देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे पहले हम क्रिस क्रॉस कराते हैं, गुणसूत्र का पता चल गया, आपको पता चल गया होगा कि हाँ ये कैसे होता है। पहले देखिए हम लोग क्रॉस कराते हैं, मान लीजिए कि इससे हम लोग क्रॉस कराए और इससे एक्स एक्स को लाए, तो एक्स ए बी हुआ, एक्स 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 हुआ, बनी लड़की। लेकिन लड़की बेचारी जो है हीमोफीलिया से ग्रसित है, ये क्या है, हीमोफीलिया से ही ग्रसित है, और यहां से फिर भी हम वही कर रहे हैं कि एक्स को ला रहे हैं, तो एक्स और वहां से आ गया वाई। तो ये जो है क्या होगा, होगा लड़का, लेकिन वो भी लड़के भी होगा, फिर भी उसके अंदर हीमोफीलिया रोग होगा। इसका मतलब है कि ये जो रोग है मम्मी पापा से ही आ रहा है, या मान लीजिए कि ऐसा हम लोग समझ लेते हैं कि या तो किसी मम्मी को हो, नहीं तो किसी पापा को हो, सॉरी किसी पापा को नहीं, मतलब पापा मम्मी में से दोनों किसी एक को हो, दोनों को, यहाँ पे तो दोनों को ना है, लेकिन मान लीजिए किसी एक को ही है। जैसे हम इसको मिटा के दिखाते हैं, जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि फीमेल के ऊपर है और वो भी फीमेल के एक ही एक्स पे है। ठीक, तो इस स्थिति में कौन से बच्चे को होगा, कौन सा बच्चा को नहीं होगा। मान लीजिए कि इस स्थिति में ये एक्स आकर इस एक्स से संयोग करता है, मिलता है, तो एक्स और वो एक्स इस पे हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ इस पे एक ही तो हुआ, लेकिन फिर भी हीमोफीलिया हुआ, इस स्थिति में भी हीमोफीलिया हुआ। और इधर से बात करता है कि ए एक्स जो है अगर इस एक्स से मिल रहा है, इसमें भी फीमेल हुई, ए भी फीमेल है, लेकिन इस फीमेल को हीमोफीलिया रोग हुआ है। ठीक, लेकिन यहां पर भी वही बनेगी, फीमेल ही बनेगी, लेकिन इस फीमेल को हीमोफीलिया रोग नहीं होगा, क्योंकि मम्मी के एक ही एक्स पे फीमेल के अंदर नहीं होगा, लेकिन इस फीमेल के अंदर होगा। लेकिन अगर क्या होगा कि जब इस वाले गुणसूत्र को, इस एक्स को हम यहाँ पे ला के इस एक्स को
इस एक्स से करा देते, सॉरी इस वाई से करा देते हैं, ठीक, वाई से मिला दिए, तो यहां पे जो लड़का बनेगा तो वो होगा हीमोफीलिया से ग्रसित। यहां तो मेल बन रहा है और इस स्थिति में जो मेल बनेगा वो हीमोफीलिया से ग्रसित होगा। और मान लीजिए कि फिर इसी एक्स से और इस एक्स वाई को लाकर हम मिला दें तो यहां पे जो लड़का बनेगा एक्स वाई, ये जो मेल बनेगा इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं होगा, इसके अंदर हीमोफीलिया नहीं होगा। मतलब कि एक ऐसी औरत जिसको हीमोफीलिया रोग हुआ है, ठीक, और एक ऐसा मेल जिसको हीमोफीलिया नहीं हुआ है, तो वो जो दोनों मिलकर जो बच्चे को जन्म देंगे तो उससे एक जो लड़की होगी उसको हीमोफीलिया होगा, एक जो होगी उससे नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि दोनों को हो जाए, ये भी हो सकता है कि दोनों को नहीं भी हो, दोनों परिस्थितियां है। और लड़का भी वैसा ही है कि दो हो तो ऐसा हो कि दोनों में नहीं हो, या तो दोनों को हो जाए या एक को होगा दूसरे को नहीं होगा। अब देखिए, ये तो हम समझ गए कि हीमोफीलिया जो है सेक्स लिंकेड डिसऑर्डर है, मतलब कि सेक्स के द्वारा ही ये फैलेगा, दूसरा कोई तरीका है नहीं, ठीक। अब इससे क्या होगा कि आखिर हमको पता कैसे चलेगा। मान लीजिए कि हमारा जो ब्लड जो है, सॉरी हमारा जो बॉडी जो है कहीं से कट कर जाए, थोड़ा सा कट जाए, वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए। जब ब्लीडिंग हो जाता है तो देखिएगा कहीं पे थोड़ा सा, अगर विश्वास नहीं तो काट के देख लीजिएगा, ठीक है, वैसा मत कीजिएगा, थोड़ा सा अगर कहीं से कट जाए तो कटने के बाद वहां से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है। हम लोग पूछते रहते हैं तो सूखता नहीं है, मतलब रुकता ही नहीं है, लेकिन वहीं अगर छोड़ दें तो छोड़ने के बाद क्या हो जाता है कि वहां पे ब्लड जो है धीरे धीरे जम जाता है। तो वहीं कहा जाता है कि अगर ब्लड जो है 2 से लेकर 8 मिनट के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है, 2 से 8 मिनट के अंदर अगर ब्लड क्लॉटिंग नहीं करता है, मान लीजिए कहीं हाथ कट गया, ब्लीडिंग हो रहा है, अगर वहां पे 2 से लेकर 8 मिनट के अंदर अगर ब्लड जमता नहीं है तो इसका मतलब है कि हमको हीमोफीलिया बीमारी है। अब ये बात कि ब्लड क्लॉटिंग से हीमोफीलिया का क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन यही है ना कि हीमोफीलिया जो है ना ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है। आप लोग जब 12th क्लास में पढ़िएगा तो उसमें पढ़ा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर होता है वो 13 होता है, ठीक, तो उसी 13 में से एक हीमोफीलिया भी होता है। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट अगर वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि हीमोफीलिया जो होता है 3 प्रकार का होता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग ये सुन लें कि हीमोफीलिया के कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। इसका मतलब जब हाथ कट जाए, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाए और ब्लड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब हम समझेंगे कि क्या हुआ है, हीमोफीलिया हुआ है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो रहा है, ठीक।